कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का शनिवार को दूसरा दिन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में नफरत का माहौल है। सरकार रेल जेल तेल सब कुछ अपने मित्रों को बेच रही है। दिल्ली सरकार में बैठे लोगों का जेएनए गरीब विरोधी है। बता दें कि 3 दिन चलने वाले अधिवेशन में आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित किया, आखिरी दिन राहुल गांधी संबोधित करेंगे। मैं आज बेहद भावुक भी हूँ, क्यों कि मैं और आप सब उस गौरवशाली विरासत की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिसको महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू, इंदिरा जी, राजीव जी ने अपने त्याग, बलिदान और समर्पण से ये सींचा हुआ कांग्रेस पार्टी है।